सब्सक्राइब करें News89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। धूरी के जिला संगरूर के सूलर घाट में पटाखों के एक गोदाम में धमाका हो जाने के कारण वहां पर भयंकर आग लग गई। दूसरी ओर गोदाम में काम कर रहे लोग मलबे के नीचे दब गए, जिनमें से 7 लोगों को मरी हुई हालत में बाहर निकाला गया व कई और लोगों के इस मलबे में दबे होने की आशंका बताई जा रही है। देर रात यहां लोग गोदाम में पटाखों को रखने का काम कर रहे थे कि अचानक वहां जोरदार धमाका हुआ। ये धमाका इतना जोरदार था कि आसपास रहने वाले लोगों के मकान के शीशे तक टूट गए। इतना ही नहीं, साथ लगते गुरुद्वारा साहिब की दीवार भी इस धमाके के कारण गिर गई। मौके पर पहुंचे प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिया। यहां बताने योग्य है कि इससे पहले भी संगरूर के पटाखों के गोदाम में आग लग चुकी है, जिसमें पहले भी कई लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। पता नहीं प्रशासन इस ओर ध्यान कब देगा। बहुत बड़ा दुखदाई हादसा है, जिदे 3 मकान बिल्कुल मुनिया मेट हो गए। जिहड़े 3 कोठियां सन जिहड़ी इहनां कोल किराए ते सीगियां, ते इत्थे जिहड़े हैगा सी सारा इलीगल तौर दे उत्ते पटाके तैयार कीते जांदे सन। कोई पटाके बनाउण दा लाइसेंस नहीं सी, सेल दा लाइसेंस सीगा इहनां कोल, ते इहनां दे पटाके सारे पंजाब दे दिवाली दशहरे नूं जांदे हुंदे सी। ਇਸ ਲਈ ਬੜੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20-25 ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 20-25 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉਹ 20-25 ਦੇ 20-25 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਚਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਸਾਨੂੰ 3 ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੰਗਰੂਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈਗੇ ਆ। 4 ਬੋਡੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ पटाके की फैक्ट्री। हां तीन बंदे नीचे दब रहे। दूरी से कैमरामैन गुरिंदर सिंह के साथ मीडिया पर्सन रविंदर जोली की रिपोर्ट News89। सब्सक्राइब करें News89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।